the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे नाज़रीन। हम आज, जैसा कि आपको मालूम है, वीडियो पे हमने बताया था कि हम अंदर अब झील की तरफ आए थे कल। तो हम कल हमने यहाँ स्टे किया और आज कुछ और टूरिस्ट हैं जो स्वात साइड से आए हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं कि रास्ते में इनसे के 4-5 दिन को हुए हैं तो कैसा गुजरा इनका सफ़र और कितनी मुश्किलात का सामना हुआ है इनको। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम क्या नाम? वालेकुम सलाम, मोहसिन खान। कहाँ से हैं? हम बेसिकली क्वाड से हैं लेकिन आए हैं स्वात कलाम से। अच्छा, तो जो आपके बाकी दोस्त हैं वो कहाँ से हैं? वो भी कज़न है। अच्छा, एक, एक, एक ही इलाके से। अच्छा अच्छा, तो आप बताएँ कितने दिन हुए आपको सफ़र का आगाज़ किए हुए? 4 नाइट कलाम मॉडर्न से, आज 5वां दिन है। अच्छा, तो कहाँ से आपने सफ़र का आगाज़ किया था? मॉडर्न कलाम से। मॉडर्न कलाम से, वहीं से आप जो है वहाँ से पैदल ट्रैक हैं। अच्छा, तो कितने दिन लगे आपको यहाँ तक पहुँचने में? 4 नाइट स्टे करके आज 5वां दिन है। अच्छा, और आप बताएं रास्ते में आपको क्या मुश्किलात आई, क्या कुछ जो है आपके साथ हुआ? कुछ दास्तान फ़िलहाल कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सामान वगैरह सारा मतलब कंप्लीट था। फर्स्ट एड किट, दवाई वगैरह, सामान, सिलेंडर, गैस, सब कुछ A to Z सामान में। मतलब खाते पीते हुए हैं आराम से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो इन्जॉय किया आपने? बहुत। कैसा पाया इस इलाके में? इलाका है ये तकरीबन हमारा तीसरा ट्रिप है। अच्छा। पहले 2017 में आए थे, फिर 2018 में, आज अभी 2022 में आ रहे हैं। अच्छा, तो तीसरी दफ़ा आ रहे हैं। तो हर दफ़ा इसी साइड से आना है क्या? हाँ जी, इसी साइड से आ रहे हैं। अच्छा। बस ये है कि सुकून है, मज़ा आता है, कज़न है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। आप तीन ही आते रहे हर बार? हाँ जी। अच्छा, 2017 में हम 29 लड़के थे उधर से, इस्लामाबाद टीम, पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन। तो वो रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो हमें हाफ ट्रैक करके ना वो वापस जाना पड़ा। अच्छा अच्छा। उसके बाद 2018 में हम आए, हमारे से आगे एक और टीम मतलब जा रही थी, तो उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वो 18 वाला उनके पीछे किया, 19 वाला खुद किया, बगैर किसी पोर्टर के, बगैर किसी गाइड के। तो हर दफ़ा इसी तरफ से आके आप यहाँ से पेशावर किस तरफ से जाते हैं? चतराल वाली साइड से जाते हैं या फिर नारायण कागान से या फिर कोहिस्तान वाली साइड से, कहाँ से जाते हैं? हम जाते हैं शिंदूर साइड से, जो मस्तूज से बोनी, मस्तूज से बोनी, चतराल, चतराल से फिर पेशावर। अच्छा, आपको कितने दिन लगते हैं यहाँ से जाते हुए? दिन तो गिनती नहीं किए, अभी तकरीबन 5वां है, दो से तीन दिन और लगेंगे, तकरीबन 8-9 दिन का टूर बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ से आप जब जाते हैं तो कहाँ से आगे फिर गाड़ी का सफ़र शुरू करते हैं, पैदल अपना सफ़र का? ये पहला गांव जो है इसका पता नहीं नाम कुछ है क्या। अच्छा, गुपिस है, उससे आगे फिर ये जो पहले वाला यहाँ पे ये लखतरी है जहाँ से रोड है। जी जी, यहाँ से हमारा मतलब शुरू हो जाता है, नाटकों पर जाते हैं उधर मस्तूज तक, वहाँ से फिर जीप ट्रैक चित्राल, फिर चित्राल से वैगन या बस में। अच्छा, तो इस दफ़ा फिर वही पेशावर? इस दफ़ा चेंज का सोचा है, इधर गिलगित मेन सिटी तक और वहाँ से नारायण कागान शायद। चलो, ये बेहतरीन रास्ता है, नारायण कागान का, कागान की भी सैर हो जाएगी आप लोगों को। तो रास्ते में आप लोग खाने पीने का इंतज़ाम कैसा होता है? वो हमने सामान लिया था तैयार, वो नूडल्स, मैगी वगैरह और लोबिया लिया था, वो बंद डब्बे में होता है तैयार, बस सिर्फ उसके लिए फ्राई वगैरह करके उसके अंदर डाल दो और तैयार। सिलेंडर सारा कुछ हमारे पास था, मेडिसिन सब कुछ, तो उसी रोटी भी तैयार ली थी, वो भी सील पैक मिलती है, तकरीबन 15 दिन की एक्सपायरी होती है उसकी, डॉन कंपनी की है। मतलब आपने इंजॉय किया, फुल इंजॉय, बेहतरीन मज़ा है। तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप यहाँ स्टे करके कुछ दिन रह के आगे तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के जो बाकी इलाके हैं उनकी तरफ भी टूर किया जाए? असल में जॉब वाले लड़के हैं, मैं खुद जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ,
ये दूसरे भाई भी जॉब करते हैं, तीसरे भाई भी जॉब करते हैं, तो इसलिए छुट्टी का इस तरह वो बना होता है कि पहले ही दिन इसमें सारे ज़ाया हो जाते हैं, फिर आगे दिन नहीं बचते हैं, तो वापस जाना होता है, ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है, तो इसीलिए। चलो नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो फिर डायरेक्ट गाड़ी में आएँ और बाकी इलाकों की भी सैर करें, और भी बहुत प्यारे इरादा बहुत है, पंदर वैली का, यासीन वैली का, इनके नाम सुने हैं, वीडियोज़ वगैरह काफ़ी सारी देखी हैं, तो इधर इंशाल्लाह इरादा है नेक्स्ट टाइम जी। बस नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे इंशाल्लाह रोड भी बन चुका होगा, अभी रोड का काम भी शुरू हो रहा है, तो बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं, विज़िट करें। तो रास्ते में क्या कोई शिकार वगैरह भी करते हैं? मैंने नहीं, शिकार वगैरह के लिए तो कोई औजार नहीं लेके आए, फिशिंग के लिए लेके आए थे, लेकिन वो उधर को कुछ में ही छोड़ गए। चले तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अल्लाह। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम पहुंच चुके हैं अभी हंदरब झील, और ये पीछे आप देख सकते हैं ये हंदरब का झील है, और यहाँ काफ़ी कठिन सफ़र हम करके आए हैं। कुछ रास्ते तक तो बाइक पे हम आए थे, वहाँ से आगे फिर तकरीबन दो घंटे ढाई घंटे हम पैदल चल के आए हैं, तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे झील का खूबसूरत मंज़र, और अभी जो है ये जो झील है इस पर 5,000 रुपये टैक्स है मछलियाँ पकड़ने के, यहाँ पे बड़े बड़े मछलियाँ आती हैं, ठीक है। तो 5,000 रुपये इसका टैक्स है, और झील से उस तरफ अगर दरिया की तरफ जाकर पकड़ लें तो 1,000 रुपये है एक दिन के, ठीक है, एक गरारी के। तो कोई साथी आना चाहे तो वो विज़िट भी कर सकते हैं, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर आना चाहे तो वो आते हैं। बाकी हम यहाँ पर हमारे एक भाई हमें मिले हैं, तो इन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है, रास्ता भी उन्होंने हमें दिखाया, तो हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ के क्या रूल्स हैं, कि मछलियाँ पकड़ने के लिए कोई आए तो उनके लिए कितना टैक्स है, कितने पैसे लेते हैं, तो फिर ये आपको डिटेल में बता देंगे। वो मेरा नाम है अब्दुल हमीद, मैं हंदरब से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं हंदरब से इधर पहुँच गया, रास्ते में आप भाई हमें मिला, आपके लिए थोड़ा सा खदमत किया, आपको ये रास्ते दिखाया और झील पहुँच गया अल्लाह के करम से। हम ये झील से आगे 2 घंटा और सफ़र करना है, तो हम थोड़ा इधर वेट करेंगे, उसके बाद हम आगे जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ ने उधर कल अपने साथियों के साथ उधर बैठेंगा, तो 21 तारीख को हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि यहाँ इस झील में अगर मछलियाँ पकड़ना हो तो उसके लिए क्या रूल्स हैं इस झील के? इस झील का रूल है तो एक गरारी का एक दिन का है 5,000 रुपये अगर इस झील एरिया में, अगर तो दरिया के साथ आगे और नीचे गया उसका एक गरारी का 1,000 रुपये है एक दिन का है। तो इसमें मतलब जितनी भी हम पकड़ लें मछली हमारी रजक में, वो हिसाब है या फिर कोई लिमिट है? ना, इधर लिमिट के साथ है, नौ इंच से छोटा आएगा तो इसको फिर वापस। अच्छा, 9 इंच से छोटा छोटी मछली आए तो उसको वापस करने है, वापस छोड़ने, अगर इससे बड़ा आएगा आपका रिजक। तो कितनी तक लिमिट करने है, वापस छोड़ने, अगर इससे बड़ा आएगा आपका रिजक। तो कितनी तक लिमिट है कि पकड़ सकते हैं यहाँ पे, 10 किलो 20 किलो जितना भी? नहीं, इसको 9 मछली से, 9 मछली यानी मछली का हिसाब है कि एक मछली अगर 1 किलो के 9 आ जाए या फिर आधा पाव पाव के 9 आ जाए? नहीं नहीं नहीं, ये आपका रिजक है, 1 किलो है, 10 किलो है, 5 किलो है, बस टोटल 9 मछली, टोटल 9 मछली। अगर बिन फर्ज हम पकड़ लेता है, कोई ज़्यादा पकड़ लेता है, 50 पकड़ लेता है, 100 पकड़ लेता है, इसके कोई रूल नहीं है, 9 से ज़्यादा पकड़ना रूल नहीं, मतलब अलाउड करते हैं वो ले जाना यहाँ से, कोई पाबंदी वगैरह? हाँ, पाबंदी है, उसको चेक करके आप ज़्यादा सख्ती तो नहीं करते? पाबंदी है। अच्छा, तो ज़्यादा मछली नहीं आप ले सकते, 9 मछली से ज़्यादा। अच्छा, वहाँ से यहाँ तक कितना रास्ता है? हम तो चलो रेस्ट करके कभी हम ऊपर चले, हमें तो गधों वालों के साथ आ गया कोई 4 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं, और पैदल तेज़ी से आ गया इसके लिए 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, 3 घंटे लगते हैं, ठीक है।
तो और इसके इलाके के बारे में कुछ बताएं आप, आगे इससे कहाँ तक कौन सा बॉर्डर लगता है? यहाँ से अगर इधर वो बॉर्डर के नीचे पुलिस फोर्स है तो हमें कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन ये जेल से आगे 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे के वो फोर्स बैठा है ताकि हमारे हिफाजत के लिए उधर बॉर्डर आगे कौन सा इलाका आता है अगर चले जाए? यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया वो स्वात का बॉर्डर आता है। स्वात आता है। अच्छा जी, आप स्वात जाना चाहें और तो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कितने घंटे लगते हैं यहाँ से अगर स्वात जाना चाहे? तो यहाँ से आज सुबह निकल गया तो उस बॉर्डर तक तकरीबन सुबह शाम तक पहुँचेगा, यानी 24 घंटे में पहुँचे। अच्छा, पूरे 24 घंटे ठीक हो गया। अच्छा, तो और कुछ इज़्ज़त की खासियत, कोई खास बात? बस खास कोई बात नहीं इसमें, बस लोग पंजाब से गिलगित से इधर शेर और शो के लिए मछली पकड़ने के लिए, वो शेर के लिए इधर आते जाते हैं वो सीज़न में। तो इधर मछलियाँ अच्छी आती हैं, क्या तरतीब है? हमने सुना था कुछ सालों से ये बंद पड़ा था, यानी 3 सालों से बंद पड़ा था, मछलियों का अक्स तादाद भी बहुत बढ़ गया था, तो इधर लोग काफ़ी आ गया तो ये भी काफ़ी वो स्विफ फेंक फेंक कर काफ़ी तंग हो गया है। अभी मछलियाँ तकरीबन इसका अभी यानी मछलियाँ चालाक हो चुकी हैं। मछलियाँ चालाक हो गई हैं, अभी दरिया भी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये मामला है। अच्छा, तो पीछे आप देख सकते हैं हमारे एक दोस्त लगे हुए हैं, अब देखते हैं इनके रिजल्ट में क्या आता है। तो ठीक है नाज़रीन, शुक्रिया आप सबका, आपने वीडियो देखी हमारी और भाई का जो बात भी सुनी। अगर आप लोग आना चाहें तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है, रास्ता बना हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह तक मोटरसाइकिल लेके आप आ सकते हैं, और उधर से आगे आना चाहें तो भी रास्ता बना हुआ है। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I